Chilling. My name is Kavish Vedapati. He turns 18, he's going to buy a Ducati and then he'll take me to Spiti and all these places. Oh. I'll be in this place and he'll be riding it out. Oh, that's good. Great. क्योंकि हम जानते हैं रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इश्क करने के लिए भी जिंदा रहना पड़ता है। Hey guys, good morning and welcome to the channel. Hope so आप अच्छे रहेंगे। तो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारे राइडर्स हैं। तो हम लोग एक राइड पे जा रहे हैं, जो लास्ट राइड हमने अटेंड की थी फैंटम मोटो की, जो थी भावली डैम में। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं वांद्री लेक। तो सुबह को मैं जब भी निकला तभी काफ़ी अंधेरा था, इसके लिए मैंने शूट नहीं किया। तो हम लोग ऑलरेडी मीरा रोड पहुंच चुके हैं, क्योंकि मीरा रोड जो फैंटम मोटो का शॉप है वहीं से स्टार्ट होने वाली थी। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज शिव शक्ति अपोलो टायर्स के डीलर हैं। एग्जैक्टली मुझे अभी डीलर का नाम नहीं मालूम। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से द नेक्स्ट स्टॉप इज किनारा ढाबा। मीटिंग दे रहे तो एक बार जोरदार ताली आज की राइड के लिए। और आपको दोस्तों पता है कि आज की राइड में स्पेशल क्या है? देखो गाइस, अभी सबने राइड किया ग्रुप राइड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है हु इज न्यू फॉर ग्रुप राइड। किसी ने ग्रुप के साथ राइड नहीं किया तो गाइस अभी यहाँ पे ब्रीफिंग चल रहा है, क्योंकि राइडर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आज का राइड कहाँ से शुरू होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन और क्या डूज एंड डोंट्स है, आपको उनको बताना है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हो ये नज़ारा, दिस इज घोड़बंदर रोड। तो अभी हम आगे जाएंगे तो लेफ्ट में घोड़बंदर ब्रिज आएगा। सूरज देवता भी निकल चुके हैं। तो गाइस ये है घोड़बंदर ब्रिज, अभी हम घोड़बंदर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और इसके पास में ये नया ब्रिज बन रहा है, बिकॉज ये काफ़ी पुराना हो चुका है। और आप देख सकते हो कि ये सिर्फ दो गाड़ी ही जा सकती है, बट देन होप सो ये जो नया ब्रिज बन रहा है ये इससे चौड़ा हो, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे इतना होता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती है कि इवन दो गाड़ियाँ चलने के बावजूद पास में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ट्रक होते हैं। और अगर ट्रक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक स्लो हो ही जाता है। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ से एक गुजरा था, दैट वॉज कच राइड में, जब हम कच गए थे तभी नवंबर, दैट वॉज नवंबर 2021 जब मैं यहाँ से गया था। उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ यहाँ पे। आज आपको काफ़ी सारे बाइकर्स दिखेंगे रोड पे, बिकॉज संडे है। तो संडेज को यूजली ब्रेकफास्ट राइड वगैरह करते हैं, लॉन्ग राइड भी होता है, बट देन यूजुअली आपको बाइकर्स जो दिखेंगे ये ब्रेकफास्ट राइड वाले दिखेंगे। तो गाइस अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट किनारा ढाबा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं वसई। आप देख रहे हो लेफ्ट में जो रोड जाता है दैट गोज टू वसई। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। मैं आज मतलब मैं वी आर बेसिकली मार्शल्स, तो आज ये जो राइड है इसका मार्शलिंग कर रहे हैं, आई एम पार्ट ऑफ द मार्शल्स। और मैं आज टेल हूँ, टेल मतलब जो सबसे आखिर में होता है। तो ये जो आगे जो मेरी गाड़ी जा रही है, दैट इज द लास्ट व्हीकल हमारे कन्वॉय में, अराउंड 100 कुछ राइडर्स है और उसके पीछे मैं हूँ। इस अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे क्योंकि कोई एक राइडर पीछे रह गया था। दिक्कत ये है कि यहाँ पे इस रोड पे इतने सारे राइडर्स रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है अपने ग्रुप का कौन सा है और दूसरे के ग्रुप कौन सा है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि अगले बार से विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मार्किंग, सो दैट पता चले ये हमारे राइडर्स हैं और कोई मिस ना हो। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, सब लोग चले गए और जैसे मैंने कहा आई एम द टेल, मैं सबसे आखिर में रहूँगा। पहनते हैं ग्लोव्स, सुबह से काफ़ी टाइम मैंने ग्लोव्स पहने ही नहीं, सोच के कि बाद में पहनूंगा, बट लेन सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सेफ्टी खुद करो और सबकी सेफ्टी अपने आप हो जाएगी। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी एग्जैक्टली मुझे लोकेशन मालूम नहीं है, बट देन मैंने सोचा था कि सीधा लोकेशन पर जाके मैं कैमरा चालू करूँगा, बट देन काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। मतलब पिछले बार जब हम यहाँ से गए थे तो काफ़ी हरियाली थी,
क्योंकि बारिश के बाद ही गए थे तुरंत. इट वॉज नवम्बर बट नाउ इट इज मी. बट देन स्टिल काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है. मतलब जो देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है, कोई भी चीज़ हो, अगर देखने वाले की आंखों में खूबसूरती है तो उसे वो खूबसूरत नज़र आती है. तो चलो फिर अभी हम आगे कुछ और दिखाएंगे आपको. अभी मैं कैमरा बंद कर देता हूँ. तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे. आप देख रहे हो पीछे, दैट इज सिल्वर माइल्स रिजॉर्ट. तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे फॉर बांद्री लेक. लाइक 100 बाइकर्स, तो ऑलमोस्ट 100 बाइकर्स हैं यहाँ पे. प्लस माइनस होते रहता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो 100 बाइकर्स का था. अभी एग्जैक्टली सब आए हैं कि नहीं मालूम नहीं, बट देन दिस इज क्लोज टू 100 बाइकर्स. और आप देख सकते हो सारे बाइकर्स बैठे हैं. अभी क्वाइट प्लेस. अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है यहाँ पे और टेस्ट कैसा है, क्योंकि पिछले बार जब भी हम गए थे बावली डैम द ब्रेकफास्ट वॉज रियली गुड. Okay, so I am Dimpal Singh and I'm a healthcare professional by profession. When I say healthcare professional, I'm not a doctor, I'm not a nurse. I'm a PR professional working with a renowned hospital. And also, if you don't know me, Dimpal Singh, I ride a Rohit 500. 2018 was the year she gave me my life. And since then I started riding professionally. And 2018 mein I rode all the nearby places like every rider does, just like me by Bali. 2019 was the year I went for Sachpas in City Valley. Since I was a new biker, 2018 I started riding. A lot of people तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, आई एम श्योर बहुत जजमेंट आते होंगे, लाइक एवरीबॉडी अग्री विद मी, पीपल जज यू फॉर एवरी डांस इन योर ट्विटर लाइफ. सिमिलरली व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर माय सचपास सिटी राइड, आई हैड अ राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4000 किलोमीटर प्लस ओनली. देयर आर पीपल हु टोल्ड मी दैट यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू राइड एट सचपास सिटी वैली. Because obviously it's considered to be one of the dangerous roads in the world. The best part about me is I don't, I make good choices and I don't listen to judgment, perception, and that is what I want to tell you all. Wo kahenge log bolenge ye nahi kar sakte, wo nahi kar sakte, do not listen to them, always listen to your heart, because there will be n number of people also supporting you in your life. Agar ye log bolte hain ye nahi kar sakte, to obviously like आई एम श्योर पिटी जितने भी लड़के आते हैं योर माइंड की सपोर्टिंग योर वाइफ योर गर्लफ्रेंड एवरी थिंग इन योर लाइफ. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट फॉर योर गर्लफ्रेंड फॉर योर वाइफ फॉर योर मदर इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फॉलो देयर पैशन. उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स एजेंडाज एवरी थिंग कम्स इन टू पिक्चर. दैट्स व्हेन यू ऑल हैव टू सपोर्ट योर गर्लफ्रेंड योर वाइफ योर मदर एंड प्लीज सपोर्ट देम एनकरेज देम. एंड कमिंग बैक टू माय राइड, अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट राइड बिकॉज अगेन इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड. आई लिसन टू माय सेल्फ एंड आई वाज द फर्स्ट टाइम व्हाट आई बिलीव. आई वेंट अहेड फॉर दैट राइड, आई वाज नोइंग दैट आई एम मेकिंग अ रिकॉर्ड. वंस आई कंप्लीटेड द राइड, 14 डेज ऑफ राइडिंग एट द फेस्टिवल कोर्स, राइडिंग एट द ब्रेजिल मार्ड स्लश, and I was enjoying off-roading. That is something which I got to know on my first ride, that how much do I love off-roading. And once I came back, I got to know from a few of the renowned riders that Dimple, you know what, we feel that you have made a record. You are the youngest rider to
ride at Sach Pass and Spiti Valley in a combined ride. I was so thankful to myself that I did not listen to any people that, you know, it's a dangerous road, you need to have that kind of experience to ride on such road. So I listened to myself, I believe that was always the first time. And obviously you have to have that kind of courage and confidence. So whatever you all are doing in life, if there is any other woman who wants to learn riding, I am going to take and approach me. All the millions who specially came, if you all want to ride, I'll be more than happy to make you learn how to ride. So the another longest ride which I did was Zanskar. Zanskar again is considered to be dangerous road in the world, one of the dangerous roads. So again, there are only two women who have covered Zanskar Valley through Shinkula Pass. I am youngest again because the other women who have done it is in the age of 40. So yeah, follow your passion. Do not listen to anyone. There will be a lot of obstacles coming in your way. The only thing you have to do is believe in yourself, is what I want to tell you. Hello everyone, good morning. Good morning. Rally for River Royal Bengal Institute all over the corner of India. 22,300 km, 42 days se kiya hua hai. 5 people ke saath. Wo ek record hota hai. फिर हमने लेट टू लद्दाख 2-4 बार किया जिसमें एक रिकॉर्ड मारा है 6 दिन 10 घंटे 39 पीपल राइडर अचीवमेंट तो बहुत बस और कुछ बोलने के लिए है नहीं सब पीपल ने बोल दिया तो सब एंजॉय करो बीच वगैरह तो मुझे इतना आता नहीं है बट मैं अपना थोड़ा सा जर्नी जरूर बताना चाहूँगी. आफ्टर 33 एज के बाद मैंने अपनी जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट किया है. पहले बेटी की बहू बनी, फिर माँ बनी, फिर सोचा कि अभी अपने लिए क्या करूँ. तो मैंने बाइक चलाई, मेरी लड़की को देखा कि वो बाइक चला रही थी, तो मैंने सोचा जब मैं स्कूटी चला सकती हूँ मैं बाइक भी चला सकती हूँ. फिर हस्बैंड को बोला तो बोलते 220 ले. मैंने 220 बहुत बड़ा है, मतलब 150 लेते हैं. नहीं नहीं 220 ले. मैंने बोला नहीं नहीं 150 लेते हैं. फिर आगे में 220 लिया. मैंने राइड करना स्टार्ट किया. मेरा फर्स्ट राइड रोहन के साथ ही था, पकोड़ा राइड. जब भी मेरी बाइक बार बार बंद हो रही थी, मतलब मुझे इतना डर लग रहा था कि कैसे चलाऊंगी मैं इसको. फिर धीरे धीरे जैसे स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी जगह पे राइड किया है ना. अभी मैंने रिसेंटली 2021 में एक रिकॉर्ड बनाया जो इंडिया का चार कॉर्नर करके और 9 किलोमीटर जो सोलो राइड था. और बस यही बोलूँगी कि कोई भी जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. मैंने बाइक राइडिंग आपका 33 चालू किया है. मैंने जिमनास्टिक भी जीवन 33 एज के बाद चालू किया है. आज मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ उसमें भी, तो बहुत प्राउड फील होता है. पहले गाना थीम अपना मदर डे को तो मैंने यहाँ लिखा है. अच्छा लगेगा तो तालियां बजा देना. आंख खोला पहली दफा तब आती मेरे सामने, गिर के उड़ के चलने लगा तो माती मेरे सामने. मैं खाना जब न खाता तब वो हाथ से खिलाती, और उसी बातों में दुआ के खुशिया दिलाती. ना जताती कभी भी क्या क्या काम उसने किया है. वजन हो जाएगा ऐसा नाम मुझको दिया है. देना चाहता हर खुशी जो अब तक ना मिली उसे, हमारे लिए ही तो उसने जिंदगी को जिया है. घर को सारे पिया पूरे समय के साथ साथ, उनको होता सोच के ही पहले की साथ साथ. बेटी से वो माँ बन की माँ से भी नानी दादी, काम करते सारा घर का कभी ना मांगे आजादी. दर्द सैती सौ गुना जन्म हमको देती है, प्यार हमको देती, हमसे कुछ भी ना लेती है. किसी सेक्रीफाइस करती हमारे लिए, माँ नौकरानी नहीं इस दुनिया की देवी है. लक्ष्मी का वो रूप अम्बे माता का स्वरूप है. आचल उसका छाव देता कड़कती सी धूप में, निडरता से रहती वो तो झांसी सी वीर है.
हमारा थाम के बदलती तकदीर है मर्द की दवाई वो मेरी खुशी की गवाही वो बातें सारी जान की उनको ना सफाई तो मेरे काम को वो देख के तालियां बजाती मुझको आशीर्वाद है उनका मेरी कभी ना दबाई हो साधु उनका बातें सारी उठा के मैं जिया है सबसे बड़ा तोहफा ऊपर वाले ने जो दिया है मुझे डर नहीं किसका मुझे उनका है साथ जिसको बैठना मुझसे भीड़ो मैंने माँ का दूध पिया है। इस राइड में एक हमारे साथ एक फ्यूचर राइडर भी आया है। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कवेश वेदपाठक। सो यू लाइक राइडिंग? यस। व्हेन यू गोना स्टार्ट? 18 इयर्स। ओह, यू आर वेटिंग फॉर 18 इयर्स। व्हाट्स योर एज नाउ? 7। सो नाउ द 11 इयर्स। नो। सो 11 इयर्स यू गोना राइड विद योर डैड? आई विल राइड डुकाटी। ओह, चल मेरे कंपनी में काम कर ले। यार, ही इज फ्रॉम डुकाटी। Yeah. So when he turns 18, he's gonna buy a Ducati and then he'll take me to Spiti and all these places. Oh. I'll be in his pillion and he'll be riding it also. Oh, that's good. Great. Silver Miles Resort से अभी हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ से सीधा बांद्री लेक जाएंगे, which is around 24 kilometers. तो चलो अभी हम सीधा बांद्री लेक में मिलते हैं। गाइस, अभी हम हाईवे से अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं और ये कोई गांव है जहाँ से ये लेक के लिए रोड जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर गांव है तो ऑफ रोड रहेगा। और ये शायद से शादी वाला घर है गणपति बापा मोरिया। आज सुबह हमने गणपति बापा का जयकारा नहीं लगाया तो गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अम्बे मात की जय। तो गाइस, दिस इज एडवेंचर। अभी आप कोई लेक वगैरह जाते हो या डैम वगैरह जाना है किसी, अनलेस वो काफ़ी फेमस है, तो ऐसे ही आपको ऑफ रोड मिलेगा। तो ये कोई छोटी सी रिवर लग रही है। बारिश में यहाँ पे बहुत मज़ा आता रहेगा क्योंकि पानी काफ़ी बहता रहेगा यहाँ से ज़ोर से। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं बांद्री लेक। आप देख सकते हो ये डैम है बेसिकली और उसके उस तरफ लेक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, देखते हैं वहाँ से कैसे नज़ारा है। तो गाइस, हमारे सब बाइकर्स उस तरफ हैं और अभी हम इस तरफ आए हैं और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखेंगे क्या है यहाँ पे। ये पूरा अभी तो ड्राई है बट अगर बारिश के बाद आते हैं मतलब अगस्त सितंबर में तो काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा हाँप रहा हूँ क्योंकि इतना स्ट्रेच में चल के आया हूँ। गाइस, अभी हम ऊपर आ चुके हैं और गुड यार, ये अच्छा खासा जगह बना है यहाँ पे इन्होंने। मैं काफ़ी हाँप रहा हूँ क्योंकि मैं सब पूरा चढ़ के आया हूँ यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस, अभी मैं जब ऊपर आ रहा था सब लोग बोल रहे हैं यार क्यों जा रहा है इतना ऊपर, तो किसी ने बोला कि यार उसको कंटेंट चाहिए इसलिए जा रहा है। तो बात सही है क्योंकि कंटेंट है तो हमें, वरना हमारा वीडियो कौन देखेगा। तो चलो मैं अभी आगे जाता हूँ नीचे, यहाँ से नीचे रास्ता है जाने के लिए। नीचे से भी आपको नज़ारे दिखाता हूँ। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं बोल रहा हूँ ना, बारिश में अगर हम आते हैं तो पूरा वसूल है। तो हम सोच रहे थे यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ यहाँ से जाएं, लेकिन थोड़ा डेंजरस है, अननेसेसरी
अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि हम जानते हैं रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इश्क करने के लिए भी जिंदा रहना पड़ता है। वो आप देख रहे हो सामने, वो जो पेड़ है वहाँ पे सब बाइकर्स है और हम वहाँ से आए हैं यहाँ पे चल के। स्पॉट अच्छा है तो हम बुला रहे हैं हमारे दोस्तों को, लेकिन कोई आने के लिए रेडी नहीं है। तो चलो हम यहाँ तक आए, थोड़ी धूप है लेकिन जगह देख ली, ताकि अगली बार हम प्लान करें तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या है। क्या क्या है, डैम तो है लेकिन कितना खूबसूरत है। सो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम सब दोस्तों को अलविदा कह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग अभी चले गए, ये बस एक 20-25 लोगों का ग्रुप बचा है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और फिर से मिलेंगे। चलो रोहन भाई, थैंक यू वेरी मच। पक्का ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और एक बात बताना मैं भूल गया, हमने हमारे गाड़ी का नाम रखा है, आप देख सकते हो, काशी। तो जब हम बनारस में घूम रहे थे तो काफ़ी दिनों से तो मैं सोच रहा था नाम रखने का गाड़ी का, तो बनारस में जब भी हम घूम रहे थे अचानक मेरे को क्लिक हुआ कि क्यों ना गाड़ी का नाम काशी रखे। तो फिर कल मैंने इसका रेडियम से नाम लिखवाया। होप सो ये नाम आपको पसंद आया हो, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कैसा है नाम। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से, अगर कुछ दिखाने लायक रहेगा तो फिर से मैं चालू करूँगा, वरना अलविदा। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं कैमरा चालू करूँगा वरना अलविदा। तो ऑलमोस्ट हम घर पहुँच चुके हैं और एक मिनट में हम घर पर पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो नीचे जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिले। तो अलविदा, टेक केयर, गुड बाय।